एक ऐसा दौर जिससे हम सभी को गुजरना पड़ता है। एक्ने पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स का तो हम सभी को सामना करना पड़ता है, और इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। मार्केट में भी अभी एंटी एक्ने नाम की काफ़ी सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, पर क्या इनका सीधा असर हमारे एक्ने पे होता है या त्वचा पर? हो सकती है इसे हाइपर पिगमेंटेशन और स्कारिंग जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स। तो चलिए, ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। आइए मिलते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर प्राची पाटिल से। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर दिव्या। डॉक्टर प्राची, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, कई एंटी एक्ने क्रीम्स मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो वादा करती हैं कि आपको 24 घंटे में एक्ने से छुटकारा मिल जाएगा, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। एक्ने जिसे हम पिंपल्स कहते हैं, उनके चार रीजंस होते हैं या कारण होते हैं। एक तो होता है हार्मोनल, एक होती है किसी इन्फेक्शन के कारण, तीसरा होता है आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस, एंड द फोर्थ इज लाइक नॉर्मली यू आर बॉर्न विद एन ऑयली स्किन, इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन, ओके, इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन। सो ये इन चीज़ों के कारण एक्ने हो सकता है, और दिस आर द रीजंस फॉर एक्ने। देन अगेन द एक्ने इज अगेन ग्रेडेड, वी से द एक्ने कैन बी ग्रेडेड इनटू थ्री थिंग्स, वन इज माइल्ड मॉडरेट सीवियर, एंड वन इज लाइक वी से दैट ग्रेड वन, ग्रेड टू, ग्रेड थ्री, ग्रेड फोर। तो जब तक आप ग्रेड वन मतलब शुरुआत होती है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की, और जैसे जैसे ग्रेड्स बढ़ते हैं उतना इन्फेक्शन या पिंपल्स का ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। या ग्रेड फोर इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने, जिसको हम नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने भी कहते हैं, ठीक है। बट जनरल कैटेगरी में लोगों को डे टू डे लाइफ में ग्रेड वन, ग्रेड टू एक्ने आते जाते रहते हैं। या बट इफ दे स्टे बैक देन दे गिव अ ब्लैक स्पॉट ऑन द स्किन, स्पॉट रह जाता है, बिकॉज हम क्या करते हैं जनरली नाखून से उसकी निकाल देते हैं, उस सीबम को निकाल देते हैं, फिर वो ओपन हो जाता है वो एरिया, देन दैट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लैक हेड और अ ब्लैक स्पॉट। तो ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अगर आपको भी पिंपल्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने हाथ से या अपने नाखून से उस जगह को खुरेदना नहीं है और उस कैप को निकालना नहीं है, क्योंकि वो आपको दाग दे सकता है या स्कार भी दे सकता है। एंड वन मोर थिंग, एक्ने जो हम कहते हैं कि लड़कियों का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होता। एक्ने ज़्यादातर मेल पॉपुलेशन को ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि उनमें सीबम यानी कि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। Exactly. And in females are more cautious, but nowadays if you say both the male, female, both are equally cautious about acne. I think males are more cautious nowadays, no, because उनमें भी खूबसूरत दिखने की होड़ बढ़ चुकी है अभी। अगर आप देखोगे मेरे प्रैक्टिस में, मैं आप बताना चाहूंगी कि एक्ने के बाद जो एक्ने स्कारिंग होती है वो मैंने मेल्स में ज्यादा देखी है देन कम्पेयर्ड टू फीमेल्स, बिकॉज दे मे बी नॉट टेकिंग दैट मच ऑफ केयर फॉर एक्ने। प्राची जी, ये तो बात हो गई कि मुहासे क्यों होते हैं, उनके पीछे वजह क्या होती है। दूसरा सवाल ये आता है कि मार्केट में जो क्रीम्स या जो लोशन मिलते हैं वो इसमें कितने असरदार होते हैं? जो क्रीम्स होती हैं दो प्रकार की होती है, एक मेडिसिनल होती है जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं, और एक दूसरी होती है जो आप डायरेक्ट केमिस्ट के पास जाते हैं, एड्स देखते हैं और उस हिसाब से आप खरीद लेते हैं, ठीक है। जो हम मेडिकली कहते हैं दैट इज अगेन कैटेगराइज्ड एज पर द एक्ने ग्रेड्स वी गिव द ट्रीटमेंट्स, तो मेडिसिन वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे इन्फेक्शन के कारण एक्ने हुआ है, मुहासे आई है, तो एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव क्रीम्स दी जाती हैं। बट ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, तो वो डायरेक्टली अपने बेसिस पे क्रीम्स खरीद लेते हैं, to the chemist and they buy any or any other place where they want to go, they buy a cream. जैसे कि एड्स में दिखाते हैं या बताते हैं कि इमिजिएटली एक्ने निकाल दो, उस स्पॉट पे लगा दो और एक्ने निकाल दो। वेरी ट्रू, मैं यही पूछने वाली थी कि 24 घंटे के अंदर एक्ने गायब, ऐसे वादे किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पिंपल की ड्राइंग अप होती है, जो पिंपल के अंदर पस होता है, सीबम होता है, उसकी ड्राइंग अप मेथड के लिए वो कहते हैं कि 24 घंटे में एक्ने गायब, मगर हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा कहना गलत होगा कि 24 घंटे में गायब हो सकता है। क्योंकि वो उस वक्त के लिए ठीक करता है, मगर उसका जो रूट है वो डर्मिस से आया हुआ है, मिडल लेयर ऑफ स्किन से आया हुआ है, तो उसे एकदम आप 24 घंटे में नहीं निकाल सकते, आपको प्रॉपर मेडिसिन या तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी होगी, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। सो दोस्तों, अगर आप भी कोई एंटी एक्ने क्रीम का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान दीजिए कि उससे ज्यादा आपको जरूरत है एक प्रॉपर कंसल्टेंसी की और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की। एग्जैक्टली और बाकी क्रीम्स आती है या लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर्स के साथ क्रीम्स यूज़ करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर पिंपल या मुहासे आप फोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि क्लीन अप हो गया है, क्लीन कर दिया है। आप ज़बरदस्ती स्किन की फिजियोलॉजी के साथ यू कांट प्ले विद इट। ओके, तो मतलब अगर हम ये क्रीम्स या ये कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो इट कैन एक्चुअली ऑल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। एग्जैक्टली, यू हैव टू नॉट ब्रेक इट बाय फोर्स, लेट इट गो नेचुरली, और प्रोसीजर के हिसाब से जाइए कि अगर आपने आज क्रीम लगाई है, आज आपने कोई भी क्रीम लगाई
लगाइए. आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको 24 घंटों में रिजल्ट मिलेगा. इनफैक्ट आपको 3 हफ्ते तक आपको रुकना पड़ता है. एक कॉमन सा सवाल, जैसे अभी आपने बताया कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते आपने बोले, तो एक प्रॉपर पिंपल का हीलिंग जो होता है उसके लिए कितना टाइम लगता है? प्रॉपर पिंपल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन द पर्सन इज हैविंग. अगर इन्फेक्शन नहीं है, नॉर्मल ऑयली स्किन है, सीबम बढ़ गया है, फिर पिंपल आ गया है, तो इट विल टेक इट्स ओन लेस टाइम. मगर इन्फेक्शन है तो इट विल टेक मोर टाइम. जी, आपने कहा कि सीवियर कंडीशंस भी हो सकती हैं पिंपल्स के थ्रू. यस, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? यस, सीवियर कंडीशंस में क्या होता है, आप देखोगे कि फुल फेस पे आपको पिंपल्स बड़े मात्रा में आते हैं, तो वो पिंपल्स एक साथ जमा होकर सिस्ट भी बना सकते हैं. एंड उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट विल बी सिस्ट फॉर्मेशन ओनली. एंड हाउ डू यू डील विद दैट? मतलब वो एक कॉमन पिंपल ट्रीटमेंट होनी चाहिए उसके लिए या उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट? एग्जैक्टली, अगर वो बहुत बड़ा हो गया, इतने फॉर्म में सिस्ट आ गया है, सर्जिकली ठीक करना पड़ता है. सो दोस्तों, अगर आपको छोटे छोटे पिंपल्स आने शुरू हुए हैं तो आप उनका पहले से ही ध्यान रखिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक बड़ा सा सिस्ट फॉर्म कर सकता है और जिसके लिए आपको एक सर्जिकल ट्रीटमेंट तक लेनी पड़ सकती है. और खुद के नाखूनों का उपयोग इस प्रकार के लिए मत कीजिएगा. बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं पिंपल आ गया, इरोडेड, तो वी ऑलवेज प्रेफर कि कैसे भी हो पिंपल को फोड़ो और जल्दी से ठीक हो जाओ. कोई लोग डिटर्जेंट भी लगाते हैं थिंकिंग कि उससे पिंपल्स ड्राई हो जाएंगे, मगर ऐसी प्रैक्टिस करना काफी गलत हो सकता है. दूसरा एक और नतीजा देखा गया है कि जो लोग पिंपल के ओरिएंटेड क्रीम्स लगा रहे हैं, एक्ने क्रीम्स जो लगा रहे हैं, उनको स्कारिंग और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है. एग्जैक्टली, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? स्कारिंग इज व्हाट? इम्प्रॉपर हीलिंग ऑफ द स्किन. हीलिंग अच्छा नहीं होता है तो स्कार हो जाता है. जी. तो अगर आपकी एक्ने आई है, आप उसे फोड़ने की कोशिश करें या जबरदस्त से निकालने की कोशिश करें, तो वहाँ पे हीलिंग अफेक्ट होती है स्किन की, तो स्कारिंग आ जाती है. प्लस यू डिस्टर्ब द एपिडर्मिस, जो ऊपरी लेयर है उसमें मेलानिन होता है, तो मेलानिन को आप डिस्टर्ब करते हो, वो भी आपने नहीं करना चाहिए. अभी कई ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो आपको क्लिंजर या क्लिंजिंग इफेक्ट देते हैं और कहते हैं कि अगर आप रेगुलरली इनसे फेस वॉश कीजिए या इनका उपयोग कीजिए तो आपकी चेहरा क्लीन रहेगा और आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं. उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं या उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? क्लेंजर्स या टोनर्स जो आजकल मार्केट में आते हैं, बेसिकली कभी कभी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. जैसे आप देखेंगे कि टोनर्स, जैसे आप टोनिंग की बात करेंगे, देर आर टोनर्स विच कंटेन अल्कोहल बेस और विच हैज़ विच हेजल और फ्लोरल वाटर बेस, ऐसे अलग अलग हिसाब के टोनर्स आते हैं. मगर ये इतने स्ट्रांग होते हैं, अगर आप अल्कोहल बेस लो तो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, तो आपकी ऑयली स्किन भी ड्राई बन जाती है. पीपल से कि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे 10 बार फेस धोना है ताकि मेरा ऑयल कंटेंट कम हो जाए. एंड ऑन द कॉन्ट्री दे मेक इट मोर ड्राई. यूज नेचुरल वाटर्स लाइक रोज वाटर यू हैव, फ्लोरल वाटर्स यू हैव, विच आर गुड टोनर्स. ओके, नेचुरल वाटर्स लाइक रोज वाटर जो हम बात करें, गुलाब जल काफी अच्छा टोनर भी है. काफी अच्छा टोनर है वो. ओके, डॉक्टर प्राची, अभी अभी आपने बताया कि जो लोगों की टेंडेंसी होती है ऑयली स्किन की, वो अपना चेहरा काफी बार धोते हैं, क्या उससे भी नुकसान हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि अगर वो बार बार स्किन को वॉश करते हैं तो उसकी मॉइस्चर लेवल आप निकाल देते हो. जी, तो वो आपको नहीं करना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ दैट आप टिश्यू ले लीजिए और टिश्यू पेपर से सिर्फ डैप कर सकते हैं दिन में 2 या 3 बार, जैसे आपको वक्त मिलता है, वो ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, जब हम लोग एक्ने की बात कर रहे हैं तो कई कॉमन प्रॉब्लम्स हैं एक्ने से रिलेटेड, लाइक डैंड्रफ हो जाता है तो आपको एक्ने हो जाते हैं, कई लोगों को पीठ पर एक्ने आते हैं, हाथ के ऊपर, अपने गर्दन के ऊपर एक्ने आते हैं, तो उनके लिए भी क्या ये जो एक्ने क्रीम्स हैं वो कारगर साबित होती हैं? जैसे हम देखते हैं कि सेबेशियस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द स्किन एक्सेप्ट योर पाम्स एंड सोल्स. जी, वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड नहीं होते हैं. तो अगर ये प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, पीठ पर है, हाथ पर है, फेस पर है ज़्यादा, तो ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट. देन दे हैव टू गो फॉर ओरल एंटीबायोटिक्स एंड अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. तो पिंपल्स ऐसे सीरियस भी हो सकते हैं कि आपको एंटीबायोटिक जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी पड़ सकती हैं? द वर्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ एन पिंपल इज लाइक द ट्रीटमेंट पार्ट में अगर आप अच्छा नहीं करते हो, स्कारिंग. ओके, स्कारिंग विल मेक यू लुक वेरी ओल्ड. डॉक्टर प्राची, अभी हमने बात की नेचुरल टोनर्स के बारे में, नेचुरल इफेक्ट्स के बारे में, तो जिनके पिंपल्स होते हैं उनके लिए आप कुछ नेचुरल टिप्स दे सकती हैं? येस, नेचुरल टिप्स इज लाइक टेक अ प्रॉपर केयर इन द सेंस, अगर आपकी ऑयली स्किन है और आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार 5 मिनट का स्टीम ले सकते हैं. घर पर आप वो ले सकते हैं. मुल्तानी मिट्टी जो हेल्प करती है ड्राइंग इफेक्ट के लिए, तो आप हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1-2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट कैन बी डन. और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द फेस, जैसे कि आप मेकअप चलाते हैं दिन में और एंड ऑफ द डे आप क्लीनिंग नहीं करते प्रॉपर, दैट इन्फेक्शन कैन ऑल्सो गिव यू पिंपल्स. सो प्रॉपर क्लेंजिंग, टोनिंग इन अ डे इज रिक्वायर्ड. और कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो यूज करने चाहिए हमें?
हाँ, नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी मैंने बताया था आपको कि एंटीऑक्सीडेंट बेस्ड जो होता है, घर में ही जो रहते हैं हमारे, कोई कोई लोग क्या करते हैं होममेड स्क्रब बनाते हैं ताकि वो ऑयलीनेस थोड़ा कम हो, जैसे हमारा सूजी है, रवा होता है, या तो कोई लोग क्या करते हैं शक्कर लेते हैं और शक्कर सोप रहता है, सोप या फेस वॉश, उसका जो लैदर बनता है, जो झाग बनता है, उसमें वो शक्कर मिक्स करके उसे रब करके दे यूज इट एज अ नेचुरल स्क्रब, और रवा बेस्ड स्क्रब्स होते हैं। दिस आर सवाल पूछूंगी, जब हम सोप की बात कर रहे हैं और शक्कर की बात कर रहे हैं, दोनों की कॉम्पोजिशन काफी डिफरेंट होते हैं, तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, जनरली नहीं होती। अगर आप माइल्ड सोप्स यूज करते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। माइल्ड सोप्स का इस्तेमाल करना, बिकॉज अगर आप रॉ शुगर लेंगे तो वो स्प्रेड नहीं हो पाएगी, सो यू हैव टू वेट टिल इट डिसॉल्व्स, तो आपका असर हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्राची, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी आज। थैंक यू दिव्या। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपको भी एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी त्वचा हमेशा खूबसूरत रहे। अब वक्त हो गया है आपको कहने का अलविदा, हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में, तब तक सावधान रहे, सुंदर रहे।